और वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें आरएसपुरा में पुलिस ने चलाया है तलाशी अभियान। संदिग्ध की सूचना पर पुलिस ने यहां पर तलाशी अभियान चलाया है, क्योंकि पुलिस यहां पर मुस्तैदी के साथ, सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ यहां पर डटे हुए हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पिछले चार दिन में चार ऐसी घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं, आतंकी वारदात यहां पर सामने आ चुकी है, सुरक्षा बल और दहशतगर्द बार बार आमने सामने हो रहे हैं। और ऐसे में हर एक सूचना पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है, तलाशी अभियान चला रही है। और ऐसी ही संदिग्ध की सूचना एक बार फिर से पुलिस को मिली और पुलिस ने उस सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया। तस्वीरें आप देख पाएंगे, संदिग्ध की सूचना पर पुलिस ने तलाशी अभियान यहां पर चलाया। आपको याद होगा 9 जून को भी रियासी में आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला किया था और जिसमें कई लोग मारे गए थे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 6 तस्वीर आप देखिए। डोडा में एनकाउंटर जहां पर सफलता मिली, एक जवान हमारा हालांकि घायल भी हुआ। सर्च ऑपरेशन कई इलाकों में अभी भी लगातार जारी है। इसी बीच आतंकियों का जो स्केच था वो भी जारी किया गया। कठुआ से भारी मात्रा में आप देखिए हथियार यहां पर बरामद हुए हैं। फिदाइन हमले का भी अलर्ट जारी किया। इसके अलावा पुंछ, राजौरी, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सकता है, ये जानकारी मिली। और इसके बाद अलर्ट मोड में होकर सुरक्षा एजेंसी इस वक्त काम कर रही हैं। जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं, उन चेक पोस्ट पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। और लगातार कुछ ऐसे इलाके हैं, जम्मू कश्मीर के पुंछ हुआ, तो इन इलाकों में सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड में रखा गया है, क्योंकि जानकारी मिली थी कि यहां पर सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। और ऐसे तमाम, अब देखिए चार दिन में चार अटैक हुए। पहला अटैक होता है रियासी में 9 जून को शाम 6:15 बजे, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत होती है। दूसरा अटैक होता है कठुआ में 11 जून की रात 8 बजे, और जिसमें 2 आतंकी ढेर होते हैं। तीसरा अटैक होता है डोडा में 11 जून की रात 1 बजे, जिसमें 5 जवान हमारे घायल होते हैं। और चौथा अटैक होता है डोडा में 12 जून की रात 8 बजे, जिसमें 1 जवान घायल होते हैं। तो ये देखिए चार दिन में चार अटैक बैक टू बैक जो कि सामने आए, और उसके बाद से लगातार मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हो रही है। दरअसल संदिग्ध की सूचना जैसे ही पुलिस को मिल रही है, जैसे ही सुरक्षा बलों को मिल रही है, संयुक्त रूप से वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी दहशतगर्द वहां पर छिपने की कोशिश भी ना कर सके। और इसी बीच सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद तजम्मुल, बीते चार दिन में चार हमले, लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, हालांकि सुरक्षा बल भी इस वक्त अलर्ट मोड में होकर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल पलक, देखिए ये सुंदरबनी नौशहर लाम का इलाका है, ये बीजेपी जो अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना का इलाका है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली है कि नौशहरा के इस सुंदरबनी इलाके में जो है मिलिटेंट घूमते फिरते नजर आए हैं, यानी दिन के उजाले में इस इलाके में मिलिटेंटों की मूवमेंट को आम लोगों ने देखा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। इस इलाके में बताया जाता है कि आइंदा 48 घंटे के दौरान जो सूचना इंटरसेप्ट हुई है, जो कि कुछ खुफिया जरायों से इतलात मिली है कि कोई बड़ा हमला जो है जम्मू प्रोविंस में हो सकता है, चाहे वो सुसाइड अटैक, फिदायन अटैक हो, या नाका पार्टी पर हमला हो, या किसी बड़ी डिप्लॉयमेंट के पार्टी पर हमला करो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होने में ज्यादा वक्त भी नहीं है, जो 2 अगस्त तक चलेगी, और जुलाई का महीना बड़ा क्रूशल होगा, और इस महीने में अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब चारों ऑपरेशन 5 हो गए हैं, क्योंकि रियासी का ऑपरेशन जो रियासी कटरा के पास में श्रद्धालु के बस पर जो अटैक हुआ था आतंकियों की तरफ से, 5 सर्च ऑपरेशन फॉरेस्ट लैंड तक जारी है। उसके बाद कठुआ हीरानगर में अभी सर्च ऑपरेशन चला, हालांकि इनकाउंटर 2 मिलिटेंटों के मौत के साथ ही खत्म हो गया। सीआरपीएफ का एक जो ट्रूपर है दास नामी, वो भी उसमें जाम बहक हुआ। उसके बाद डोडा के 2 अलग अलग इलाकों में इस वक्त इनकाउंटर जो है वो गुज़श्ता शब चालू हुआ था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चला है। इस तरह से करीबन 3 से 4-5 जगहों पर जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में मिलिटेंटों की मूवमेंट है, क्योंकि जो स्केच रिलीज किए गए हैं ये वो 4 मिलिटेंट हो सकते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जाता है, और लोकल सपोर्ट के बगैर शायद ये पॉसिबल नहीं था, लिहाजा लोकल्स पर भी काफी ज्यादा निगरानी रखी जा रही है। और इनके स्केच रिलीज करते वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 लाख रुपया का
इनाम का भी ऐलान किया। और ये घोषणा करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि जो एक एक स्केच के बारे में जानकारी देगा उसे 5 लाख रुपया जो है इनाम के तौर पर दिया जाएगा। यानी डोडा पलेसा और डोडा छत्रवाल दो अलग अलग इलाकों में जब इनकाउंटर हुआ था, जब एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट हुआ था नाका पार्टी पर और डिप्लॉयमेंट पर अटैक हुआ था, उसके बाद बिल्कुल आंकड़े साफ होने लगे कि इलाके में ताजा इन्फिल्ट्रेशन पालक हुई है। ताजा इन्फिल्ट्रेशन का गेट जो है वो राजौरी, बफलियास, कंडी, बाटा, दूरिया, ये वो इलाके हैं कृष्णा घाटी का सेक्टर जहां से इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल तजम्मल। और ऐसे में देखने वाली बात ये भी है कि ये ऐसा वक्त है, क्रूशियल वक्त है, जब 52 दिन तक जो अमरनाथ यात्रा है वो चलने वाली है, वो शुरू होने वाली है, बहुत कम समय रह गया है। दूसरी तरफ चुनाव बहुत नजदीक है, तो आखिर कहीं ना कहीं वजह क्या कुछ है, क्यों आतंकी हमले इतने बीते हैं? अगर 60 घंटों की हम बात करें तो बैक टू बैक 3 से 4 हमले अब तक क्योंकि सामने आ चुके हैं। देखिए, एक तो जम्मू कश्मीर में जो संसद के चुनाव हुए बड़े पुरमन हुए, खुशगवार माहौल में हुए, और जमहूरियत का ये जो लिबास पहनते वक्त नेताजी लीडरान घरों तक पहुंचे थे तो डोल डफ लेकर उनका स्वागत किया, खवा वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो या किसी भी पार्टी ने जीत हासिल की हो। और ये एक सेमीफाइनल था कि क्या जम्मू कश्मीर में वोट परसेंट जो है आइंदा जो हमारे संसद के चुनावों के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें क्या वोटरान महिला, फर्स्ट टाइम वोटर, वेटरन लोग, बुजुर्ग लोग क्या वो वोट करने के लिए आएंगे? बिल्कुल वो आ गए थे, 60% के करीब में वोट पहुंचा था, क्योंकि 4 अगस्त 2019 के बाद ऐसी बाहर एक मैसेज भेजने की कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्तों में जो है यूटी के जब चुनाव होंगे तो शायद लोग इसका बहिष्कार करेंगे। हो सकता है कि पॉलिटिकल लीडर अपनी नाराजगी का इजहार अपनी जगह उनकी, लेकिन लोग जो है वो चुनावी माहौल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तवक्को की जा सकती है। दूसरा मामला कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि अब पुरअमन तरीके से जो इंतखाबात हुए इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 3-लेयर सिस्टम में बड़ा चैलेंज होगा कि अमरनाथ यात्रा को किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा। और जम्मू में जब भगवती नगर से यह काफिला रवानगी के लिए यूसमर्ग रवाना हो जाएगा, पहलगाम नुनवन बेस कैंप के लिए रवाना हो जाएगा, तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कितनी सुरक्षित होगी ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसी बीच में क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब प्राइम मिनिस्टर ने मोदी ने पहला कार्यकाल संभाला, दूसरे कार्यकाल में सबसे बड़ा काम जो हुआ वो सरहदों पर सीज फायर का भी ऐलान पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसका गालिबन असर जो है जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर देखा जाना बाकी है। और क्या इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो सीज फायर का वायलेशन लगातार हो रहा है, इस साल तकरीबन 25 से 30 बार ऐसे मौके आए जहाँ सीज फायर का वायलेशन कृष्णा घाटी सेक्टर, कहीं ना कहीं दहशतगर्द जो है वो अपना खौफ फैलाने के लिए भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल भी उतनी ही मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। कुछ एक ऐसे इलाके हैं राजौरी, पुंछ के कुछ इलाके हैं, वहां पर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है ऐसे आतंकी हमलों को देखते हुए। देखिए, अगर आपका कश्मीर घाटी का जो मिलिटेंसी ग्रिड था, अगर आपने देखा कि 2-4 सालों से इसका दायरा जो है पुंछ राजौरी में दोबारा हुआ, हालांकि अर्ली 90s में पुंछ राजौरी के बाद जम्मू प्रोविंस डोडा, किश्तवाड़, मच्छल और बाकी इलाकों में मिलिटेंसी बहुत ज्यादा प्रभावित इलाके थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 के बाद थोड़ा सा तब्दीली ग्राउंड जीरो पे आने लगी। और चूंकि मैंने कहा कि सरहदों पर जब सब कुछ ठीक ठाक है तो जम्मू कश्मीर के ग्राउंड्स में भी आपको मैदानों में अमन की बू आने लगेगी। लेकिन बदकिस्मत से गुज़श्ता 2-3 बरसों से जम्मू कश्मीर में कश्मीर मिलिटेंसी का जो ग्रिड है वो कश्मीर से अब राजौरी पुंछ की तरफ शिफ्ट हुआ। एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है क्योंकि